कम कर देंगे। हाँ, बिजली अपने पिताजी के यहाँ से लावेंगे, कहाँ से लावेंगे बिजली? अरे फ्री तुम कहाँ से दोगे? अपने पॉकेट में तुम्हारा आता है बिजली, तुम्हारे पॉकेट की चीज नहीं है, किसको देगो फ्री? जनता को, किसी को गरीब के नाम पर, किसी को जाधव के नाम पर, किसी को कुर्मी के नाम पर, किसी को चमार के नाम पर, कोई बसपा बन जाएगा, कोई एसपा बन जाएगा और रातों रात पार्टी बदल जाएगी। नीमक कहाँ उपजता है? नीमक भी कहीं उपजता है? और नीमक का दाम जो हम अपने समय में 60 पैसे 62 पैसे 10 आना लगता था, 62 पैसे से पसेरी था, वो आज जो है 20 रुपये किलो है। इन लोगों से अच्छा वह बनिया है जो 5% लेकर के मिर्चाई धनिया अवेलेबल करा दे रहा है हर गांव में, देहात में, सब जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पे। पटना जंक्शन पे तमाम जगह से लोग यहाँ पे पहुंचे रहते हैं, लोगों का आवागमन होता है, सभी लोग आते हैं और जाते हैं अपने अपने घर की तरफ। चलिए यहाँ पे जो जनता है, बुजुर्ग है, नौजवान है, सभी से राय मशवरा लेते हैं कि एक जनता की मूड क्या है। मोदी जी ने संकल्प पत्र निकाली है, उसमें बिजली जो है गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए फ्री दिया है। वहीं घोषणा पत्र एक दिन पहले उजागर करते हैं तेजस्वी यादव, उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं और सभी महिलाओं को एक एक लाख रुपया भी दे रहे हैं गरीब को। क्या कहिएगा सर, संकल्प पत्र मोदी जी निकाले हैं, घोषणा पत्र निकाले हैं, किसकी घोषणा पत्र? ये घोषणा पत्र निकलते निकलते अब हम भी बूढ़ा हो गए। ये तमाम लोग घोषणा पत्र कोई पढ़ता नहीं है। देश में अपढ़ ज्यादे है, गरीब ज्यादे है। आप देखिए लाइन लगा हुआ है मजदूर के आने के जाने का, तो सारा लोग अपनी कमाई कर रहा है, अपने बलबूते चल रहा है, अपनी टिकट कटा रहा है। इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये तो देश बढ़ रहा है परिश्रम करके, लोग जो अपने आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उससे देश बढ़ रहा है। इन लोगों से अच्छा वह बनिया है जो 5% लेकर के मिर्चाई धनिया अवेलेबल करा दे रहा है हर गांव में, देहात में, सब जगह। नहीं तो ये लोग कहीं से किसी को कोई मदद करने वाला नहीं है। ये तमाम रोजगार है, ये इनका एकमात्र काम है कि ये रोजगार करें और उससे उपार्जित करें, जनता पर टैक्स ला दें, महंगाई नीमक कौन खेत में उपजता है बताइए? नीमक कहाँ उपजता है? नीमक भी कहीं उपजता है? और नीमक का दाम जो हम अपने समय में 60 पैसे 62 पैसे 10 आना लगता था, 62 पैसे से पसेरी था, वो आज जो है 20 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है। आप समझिए, तो नमक में तो कोई कमी नहीं ना है उपज में, लेकिन उसका भी दाम इतना बढ़ गया, यानी पूंजीपतियों की थैली भरो। आज तो आ गया सबका लेखा जोखा, पकड़ा गया कि कौन ले रहा है चंदा पूंजीपति से, कौन क्या कर रहा है। तो ये तमाम लोग उनसे पैसा लेते हैं, उन्हीं के ये एजेंट हैं और इनका राजनीति एक पैसा है, उसकी एजेंटी करके उसकी थैली भरना, जनता को लूटना, जनता को किसी को गरीब के नाम पर, किसी को जाधव के नाम पर, किसी को कुर्मी के नाम पर, किसी को चमार के नाम पर, कोई बसपा बन जाएगा, कोई एसपा बन जाएगा और रातों रात पार्टी बदल जाएगी, कम्युनिस्ट हो जाएगा कांग्रेस, कांग्रेसिया हो जाएगा भाजपा। क्या कहिएगा? मोदी जी कहें कि हम गरीबों के लिए और जो मध्यम वर्ग है सबको बिजली फ्री कम कर देंगे। हाँ, बिजली अपने पिताजी के यहाँ से लावेंगे, कहाँ से लावेंगे बिजली? अरे फ्री तुम कहाँ से दोगे? अपने पॉकेट में तुम्हारा आता है बिजली, तुम्हारे पॉकेट की चीज नहीं है, किसको देगो फ्री? वही पूंजीपति जो मोबाइल भराता था कितना में, मोबाइल भराता था 25 रुपया 50 रुपया, आज जबरदस्ती डाटा दे रहा है और उसके बाद उसमें भी मैंने 250 रुपया ले रहा है कि आप बातों करने का 250 रुपया लेंगे। क्या कहे आप क्या कहे, बोलिए ना, बताइए। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम किसानों का MSP वापस दिलवाएंगे। कोई नहीं, मैंने तो एक लाइन में कहा ना कि तेजस्वी यादव हो, ये हम तो कहे ना कि नोटा पे दीजिए। हाँ, वो अलग बात है कि नोटा में प्रतिशत फिक्स नहीं है कि 51% अगर नोटा आ जाए तो कोई नेता उसमें MP न चुनाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। एक वोट भी मिलेगा वही बन जाएगा MP। तो ऐसी जहां इस देश में व्यवस्था है वहां झूठों का, तमाशबीनों का क्या मतलब? तो सब लुच्चे ही हैं और सब झूठे ही हैं। उलट के पलट के बेवकूफ बनाना है तो जिनको हवा में उड़ना है वो उड़ते रहें, जा करके हम उसका जिंदाबाद, उसका जिंदाबाद, भाई भाई में लड़िए।
और उसके बाद जिंदाबाद कीजिए। नौजवान है तेजस्वी यादव, कहते हैं हम नौजवानों को रोजगार देते हैं। देखिए जहाँ तक रही बात नौजवानों की, तो अभी आप जब कभी दिल्ली सफर किए होंगे तो जो मजदूर बिहार से पलायन होते हैं, आप एक बार शाम में 7 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल जाइए और वहाँ पे आप ये देखिए कि संपूर्ण क्रांति की जो स्थिति है, जो जनरल बोगी की स्थिति है, भर भर करके मजदूर यहाँ से मर पड़ करके 12 घंटे का सफ़र करके जाते हैं और उसके बाद फिर उसको उनको मिलता क्या। वहीं वहाँ पे जो भी अब तो पता ही है मनीष कश्यप का जो भी कांड वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो बस उनको सिर्फ मजदूरी करनी होती है और कुछ पैसे बचा करके अपने अपने घर को भेजने होते हैं। ना तो उन्हें भाई मतलब होता है तेजस्वी की सरकार से, ना तो उन्हें मतलब होता है जो है सो अपने नीतीश बाबू की सरकार से, ना तो उन्हें मतलब होता है बीजेपी बाबू की सरकार से। दिक्कत ये है कि ये लोग क्या करेंगे, अभी जैसे कि हम लोग भी अभी रिकरेंट में बीजेपी से नीतीश बाबू कहाँ चले गए थे, जेडीयू में, अब क्या हुआ फिर वो वापस उन्हीं के पास चले गए। अभी कुछ दिन पहले वो लोग बयानबाजी किए थे कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा है, अभी फिर जो है सो जब उनको लगा कि नहीं यार अब वोट की मतलब वोट का टाइम आ गया तो जाति के हिसाब से उनको वोट बैंकिंग अच्छी हो जाएगी, तो उनको ले करके वो फिर से जो है सो अपना। आप बताइए आप वोट कल पहले चरण की मतदान है किसको वोट कर? देखिए रही बात पहले वोट की, तो पहले मैं कट्टर बीजेपी था, मैं बीजेपी को लेकर के बहुत सोचता था और बीजेपी ने बहुत किया भी है देश के लिए, लेकिन सवाल आज की अगर बात करें तो बीजेपी भी अब बिहार को लेकर के उस तरीके का सोच नहीं रखता है। रही बात वैकेंसी तो आ रही है लेकिन उसका ज्वाइनिंग, फिर उसका पेपर वगैरह, फिर उसका पेपर लीक, ये सारी चीज़ें भी चल रही है बिहार के अंदर। रही बात इस बार देखते हैं क्या मतलब जो जिस हिसाब से प्रोग्रेस वोट कर रहे हैं। मैं तो वैसे तो जान जाए पर बचन ना चाहे दूंगा तो बीजेपी को ही। अच्छा दीजिएगा तो बीजेपी को ही दीजिएगा। चलिए और भी तमाम यहाँ पे जनता है उनसे क्या कहिएगा सर, किसको वोट कर रहे हैं कल पहले मतदान की छू जाइए? बीजेपी 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 क्यों? बीजेपी का हम पसंद है, बीजेपी हम लोग बीजेपी आपको पसंद है, आखिर क्यों पसंद है बीजेपी ये तो बताइए। उसका काम से पसंद है। क्या काम किया है बीजेपी? 370 हटाया है। अच्छा मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाने से क्या आपको रोजगार मिल जाएगी, आपकी पेट भर जाएगी? रोजगार से हमको रोजगार तो दे ही रहे हैं। 370 हटा दिए वो भी मान रहे हैं, 370 हटा दिए तो क्या आपको रोजगार मिलेगा? हम लोग को आरक्षण में दिए हैं 10%। हम लोग फॉरवर्ड हैं तो 10% आरक्षण भी उन्हीं का राज में मिला है। आज तक कोई सरकार तो हम लोग को आरक्षण नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग वोट करेंगे बीजेपी को ही। बीजेपी को वोट कीजिएगा इसके लिए। चलिए और भी तमाम लोग हैं उनसे ही बात करते हैं, क्या कहिएगा आप, क्या बोलते हैं कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है किसको वोट कीजिएगा, तेजस्वी यादव फिर मोदी जी को? तेजस्वी यादव। हाँ। क्यों तेजस्वी यादव? क्यों एग्जाम देने जा रहे? देखिए सभी से हमने मशवरा ली तो सभी लोग कह रहे हैं, एक अंकल थे बुजुर्ग वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि वो स्वाभाविक जो रियल बात है उन्होंने कहा कि इस बार हम नोटा बटन दबाएंगे। सरकार आती है सब जुमले देके जाते हैं, सब जिसकी भी सरकार आए हम नोटा बटन दबाएंगे। और भी तमाम जनता थे बीजेपी के कट्टर हैं लेकिन विकास जो है करने को कर रही है बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर कर रही है। आप लोगों का क्या राय कमेंट है इस वीडियो पे आप लोग जरूर दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।